मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर के अहम दौरे पर है, कई अहम कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल सीएम भजनलाल शर्मा गांधी मैदान पहुंचे हैं, श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ये सीधी तस्वीरें आप जोधपुर से देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। तो ये अहम तस्वीरें जोधपुर से। आप सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक स्वागत अभिनंदन अपनी तरफ से आप कर सकते हैं। मैं माननीय अतिथि गणों को बताना चाहूंगा कि ये आज रक्तशाला का शुभारंभ जो हम करने जा रहे हैं, देख रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मंच पर मौजूद हैं, अन्य मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी है इस कार्यक्रम में। कुछ ही देर में इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन उससे पहले स्वागत कार का सिलसिला जारी है। साफा पहनाकर स्वागत किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, और तस्वीर आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी बुके भेजकर स्वागत किया जा रहा है। प्रोडक्शन टीम से निवेदन करूंगा कि एक बार वो रक्तशाला की सीधी तस्वीर दिखाएं। ये हमारे माताजी पिताजी अवलोकन करते हुए और रक्तशाला पर जोरदार जोधपुर गांधी मैदान से ये अहम तस्वीर आप देख रहे हैं। श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम की ये तस्वीरें, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, मंच पर नजर आ रहे हैं। खासतौर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंच पर मौजूद हैं। जोधपुर का अहम दौरा था, कई कार्यक्रमों में शिरकत की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, और आज ही उनका जयपुर वापसी का कार्यक्रम है। एक दिवसीय जोधपुर का यह अहम दौरा, श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम की यह अहम तस्वीर। सिंधु सेवा संस्थान संजय चतुर्माने, जोधपुर ब्लड डोनर नवीन बोहरा जी, सालासर सेवा संस्थान अरविंद कच्छ, रक्तवीर सेवा समिति मथुरा दास माथुर अस्पताल जोधपुर भीम्स एन जी, रक्तवीर सेवा संस्थान भाई महेंद्र चौधरी जी, द रॉयल ग्रुप वसीम खान जी। और चलिए जोधपुर से संवाददाता राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जोधपुर का अहम दौरा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, इससे पहले भी कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की, लेकिन अब ब्लड डोनेशन सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम को लेकर विस्तार से जानकारी चाहेंगे, और आगे का भी कार्यक्रम सीएम का क्या है उस पर भी जरा प्रकाश डालिए। देखिए, आज का दिन बहुत ही पुनीत दिन है, जब पूरे भारत वर्ष पहली बार एक ऐसे संस्थान का स्थापना की गई जहाँ पर कभी भी खूब सारी संख्या में रक्तदाता रक्त दे सकते हैं। इस रक्तशाला का उद्घाटन जो है अभी जो समाज से निर्मल गहलोत के माता पिता ने किया है, लेकिन उस समारोह में मुख्यमंत्री जिस तरीके से पहुंचे हैं, भजनलाल शर्मा और साथ में श्री श्री रविशंकर अध्यात्म गुरु है वो मौजूद है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद है, केंद्रीय मंत्री जोगराम पटेल मौजूद। समझा जा सकता है की ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण उस लिहाज से लोगों को संदेश देने के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह से जब से आए हैं तब से कुछ न कुछ कार्यक्रम है, पहले वो बोरनेरा में जो संकल्प शिविर चल रहा था उसका अवलोकन किया, वहाँ पे संबोधित भी किया है, उसके बाद पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तक उत्सव का आज से आगाज हुआ है, वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उसके बाद में अब यहाँ गांधी मैदान पहुंचे हैं जहाँ पर
जो सम्मानित किया जा रहा है, तमाम उन लोगों को जिन्होंने रक्तदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन निर्मल गहलोत एक ऐसा नाम है जो शिक्षा के क्षेत्र के साथ समाज सेवा में नवाचार करते जा रहे हैं। और ऐसा समझा जा सकता है जिस तरीके से आज इतना बड़ा आयोजन हुआ है, जहाँ हजारों की संख्या के अंदर लोग मौजूद है, श्री श्री रविशंकर खुद यहाँ पे मौजूद है, राम प्रसाद महाराज जो राम संत है वो मौजूद है, राज्यसभा सदस्य राजीव गहलोत मौजूद है, बीपी चौधरी पाली के सांसद मौजूद है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरीके से इस कार्यक्रम में शिरकत की है और अपने आप में बड़ा संदेश भी है, जो जितने भी रक्तदाता है उनको कम से कम एक हौसला मिलता है, किसी की जिंदगी अगर बचती है तो ऐसे में समझा जा सकता है कि ये पूरे प्रदेश के एक बड़ा संदेश है। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मगरा पूजा इलाके में जाएंगे, जब समाज से भी ब्रह्म सिंह परियार है उनकी मूर्ति का जो है वो अनावरण करेंगे। जी बिल्कुल, यानी मूर्ति अनावरण का जो कार्यक्रम है आज के इस दौरे का अंतिम कार्यक्रम रहेगा राजीव? देखिए निश्चित रूप से अंतिम कार्यक्रम रहेगा और वहाँ से मुख्यमंत्री का जयपुर जाने का कार्यक्रम है, लेकिन अचानक कुछ कार्यक्रम बन भी सकता है, कोई अचानक निरीक्षण भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल चौंकाने के लिए पिछले कुछ देर से कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी कोई घटना भी सामने आ सकती है, कहीं जा भी सकते हैं, लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि कुछ इस तरह का कार्यक्रम हो सकता है जो बिल्कुल प्रोग्राम में नहीं है, कुछ देर बाद इस बात का खुलासा होगा। जी बिल्कुल, कुछ देर बाद ही खुलासा होगा, लेकिन अभी अगर इस कार्यक्रम की बात करें, निर्मल गहलोत चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से ही ये आयोजित किया गया श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर, इसका उद्घाटन है आज। राजीव इस कार्यक्रम को लेकर जरा जानकारी दीजिए। देखिए लगातार जिस तरीके से लोगों को खून की कमी हो रही थी, कुछ लोगों की मौत भी हो रही थी, तो ऐसे में एक ऐसा स्थान स्थापित किया गया जहां पर कोई भी व्यक्ति आके रक्तदान कर सकता है। तमाम सुविधाएं, चाहे जूस की व्यवस्था की बात हो, चाहे ब्लड लेने वाले की बात हो, कोई भी संस्था आयोजन कर सकती है, तो ऐसे में अपने आप एक बड़ा संदेश है। कम से कम एक बैंक बनाई गई है, उस बैंक के अंदर कम से कम 2000 लोगों के जो रक्तदाता है उनको भी शामिल किया गया, किसी की जान बचाई जा सके, तो उसके आज शुभारंभ हुआ है। और शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा श्री श्री रविशंकर विशेष तौर पर प्रधान है, तो समझा जा सकता है कि आज एक बड़ा संदेश जो है वो देने को, 13 रक्तदाताओं का आज यहाँ पर सम्मान हुआ है, जिसके अंदर चाहे रजत गौड़ की बात करें या फिर सुकुमार सोनी की बात करें, तमाम जोधपुर के बड़े रक्तदाता है उनको सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के अंदर अखिल भारतीय विष्णु महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है देवेंद्र बूढ़िया सहित तमाम जो बड़े बड़े समाजसेवी है वो शिरकत कर रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, क्योंकि तस्वीरें हम देख पा रहे थे और आप जानकारी दे रहे थे, उस वक्त मैंने आपको रोका नहीं, लेकिन अभी जैसा कि हम देख पा रहे थे मोमेंटो दे रहे थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इन लोगों को किस लिए सम्मानित किया जा रहा था, क्या ये डोनर्स हैं या फिर इसी संस्था से जुड़े हुए हैं? देखिए ये तमाम वो रक्तदाता हैं जो जोधपुर में जो लोग मौत के मुंह में होते हैं जिंदगी बचाते हैं, प्रसूताएं होती हैं उस वक्त उनकी जिंदगी बचाते हैं, दुर्घटना में काफी लोग चोटी हो जाते हैं उनका जीवन बचाने का कामकाज करते हैं, तो ये तमाम 13 जो बड़े बड़े रक्तदाता उनको 13 प्रेरणादायी रक्तदाता उनको कुछ प्रमुख समाजसेवी संस्थाएं उनको सम्मानित करने की जो है वो आज पहल की गई है। इतने बड़े मंच पे जहाँ मुख्यमंत्री ने उनको सम्मानित किया, केंद्रीय मंत्री ने सम्मानित किया, और समझा जा सकता है कि ये आयोजन जो है पूरे राजस्थान में अपने का पहला और अनूठा है, और ये रक्तदान शुरुआत से हो गई है लोगों की जान बचाने के लिए, सरकारी के साथ साथ निजी स्तर पर निःशुल्क रूप से संस्था जो है वो मौजूद रहेगी, तत्पर रहेगी। जी बिल्कुल राजीव, और वक्त वक्त पर लोगों को जागरूक भी किया जाता रहा है कि ब्लड डोनेशन कितना जरूरी है और सबको आगे बढ़कर ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि लोगों की जिंदगी बचाने से बड़ा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता है, और ये कह सकते हैं कि ये दूसरों के लिए भी एक मैसेज होगा और इससे लोग सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे इस नेक काम के लिए। राजीव अभी क्या मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे या इसके अलावा भी कोई और कार्यक्रम है, क्योंकि नजर आ रहा है कि मोमेंटो दिया गया, सम्मानित भी किया गया है उन लोगों को, और अब आगे के अगर कार्यक्रम की बात करें तो देखिए कुछ ही देर में खुद मुख्यमंत्री भी संबोधित करेंगे और श्री श्री रविशंकर भी संबोधित करेंगे, लेकिन अगर इस आयोजन की बात करें तो जिस तरीके से गजेंद्र शेखावत जो है वो संबोधित करने वाले हैं, वो संबोधित भी करेंगे और उसके बाद में मुख्यमंत्री बोलेंगे, मुख्यमंत्री के बाद श्री श्री रविशंकर बोलेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि देवेंद्र बूढ़िया ने निर्मल गहलोत को एक तरह से समाज सेवा। चलिए राजीव, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सुनते हैं, इस वक्त वो संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम। निर्मल गहलोत चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा
देश भर में किए गए एक नए नवाचार रक्तशाला के उद्घाटन के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित देश के रिलीजियस एम्बेसडर पूरे विश्व भर में अपनी पहचान रखने वाले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी मंच पर उपस्थित पूज्य परमहंस स्वामी रामप्रसाद जी महाराज राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी राजस्थान सरकार के विधि एवं कानून मंत्री आदरणीय जोगाराम जी मंच पर उपस्थित पाली के सांसद आदरणीय पीपी चौधरी साहब राज्यसभा सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब सभी माननीय विधायकगण माननीय अतिथिगण और मंच पर बैठे हुए मेरे छोटे भाई निर्मल जी और तरुण जी मैं आप सब की तरफ से माननीय भजनलाल जी का स्वागत करते हुए निर्मल जी और तरुण जी दोनों को हृदय पूर्वक इनका साधुवाद ज्ञापित करता हूं इनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों एक व्यक्ति कैसा अनूठा संयोग बना आज के इस कार्यक्रम में एक व्यक्ति जिसका काम ज्ञान का दान करना है और ज्ञान के दान से जो अर्जित धन है उस अर्जित धन का दान करते हुए रक्त का दान जो सबसे महान दान है उन दानदाताओं की सुविधा के लिए एक रक्तशाला का निर्माण कर उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के करकमलों से हो रहा है। इससे ज्यादा शुद्ध विचार के साथ में किया गया शुद्ध हृदय के साथ में किया गया और ऐसी व्यापक सोच के साथ में एक नई शुरुआत जो देश में हुई है ऐसा कार्यक्रम मैं माननीय भजनलाल जी सहित आदरणीय रविशंकर जी का स्वागत करते हुए मैं जानता हूं क्योंकि आप पिछले बहुत समय से बैठे हैं। लगभग 11:30 बजे हमने तय किया था और 4:30 बजे हम लोग यहां पहुंच पाए। आप सबका स्वागत करते हुए जिन लोगों ने इंतजार किया उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हुए जो चले गए जो इंतजार नहीं कर पाए उनके लिए भी अपना सम्मान व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये शुरुआत जो हुई है आज यहां से जो शुरुआत हुई है मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश में इस तरह के हाइजीनिक केंद्र जहां सैकड़ों की संख्या में हजारों की संख्या में इस तरह से के हाइजीनिक केंद्र बनेंगे जहां व्यक्ति विश्वास के साथ में राह जाकर के रक्त शिविर आयोजित कर सकेगा निःशुल्क आयोजित कर सकेगा निश्चित ही एक ऐसी बड़ी आवश्यकता की कमी की पूर्ति करने का काम एक फ्लैग बियरर की तरह भाई तरुण जी और निर्मल जी ने इस फाउंडेशन के द्वारा किया है। मैं हृदय पूर्वक उनको धन्यवाद देता हूं। बोलिए भारत माता बहुत बहुत आभार आदरणीय। अब मैं निवेदन करूंगा तो कार्यक्रम को संबोधित किया भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम की यह सीधी तस्वीर आप जोधपुर से देख रहे हैं। क्या कह रहे हो? श्री श्री रविशंकर इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। हेलो तो गांधी मैदान जोधपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त श्री श्री रविशंकर संबोधित कर रहे हैं।
अहम कार्यक्रम है ये, श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीरें। कुछ ही देर में संबोधित करेंगे इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। निर्मल गहरो चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित है।